I... एक लिमिटेड सीरीज देखिए जिसका नाम है क्रैशिंग ईद इट इज बेस्ड आउट ऑफ ये क्या कहते हैं अपना सऊदी अरेबिया जेदा तो क्योंकि वी डू नॉट नॉट हैव हैव सीन सीन एनीथिंग एनीथिंग अबाउट अबाउट जेदा जेदा आई पर्सनली और कोई उनके शोज वगैरह नहीं देखे हैं, तो इट वॉज अ वेरी गुड विंडो टू पीप इन टू देर वर्ल्ड तो मुझे अच्छा लगा ये शो इसमें बताया कि एक लेडी है जो कि डिवोर्सी है वो यूके में रहती है अपनी पंद्रह साल की बेटी के साथ और वहां पर उसको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो जाता है और वो पाकिस्तानी लड़का और वो लेडी जो है वो सऊदी जेदा चले जाते हैं लड़की के घर वालों को मनाने के लिए तो वो कभी मानते नहीं है ऑल दो दे बोथ मुस्लिम बट सऊदी पीपल लुक डाउन अपॉन दी अदर मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड तो ये उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी को इज्जत नहीं कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी रीजन है मगर यूके पासपोर्ट होल्डर है तो वो भी प्राउड है उसके पेरेंट्स भी प्राउड है कि लड़की जैसे पंद्रह साल की बेटी की माँ जिससे हमारा बेटा शादी करना चाहता है तो हीज अच वाई इज ही गोइंग टू मैरी दिस वूमेन फ्रॉम जेदा हु इज ओल्डर तो ऐसे एस ऐसे करके ये भी बात है तो दोनों फैमिलीज में फ्यूट है मगर एट द एंड दे गेट मैरिड और वैसा वाला हो जाता है मगर ये एक बड़ा अच्छा मेरे को एक बड़ा अलग परस्पेक्टिव देखने मिला क्योंकि अरेबिया Arabia... अरेबिक कंट्रीज़ के बारे में आई हैड नो आइडिया और इनकी लैंग्वेज ये कैसे पासपोर्ट ले लेते हैं इन्होंने सारे जो भी जोक्स वगैरह हमें आइडिया हैं जिन जिन चीज़ों का बताया उन सब इन्होंने बड़ी ग्रेसफुल तरीके से बताया कि जैसे उनके जो इंप्लाइज़ होते हैं उनका ये पासपोर्ट रख लेते हैं वो सब चीज़ें भी इन्होंने कवर करी हैं तो मुझे अच्छा लगा इसको ओके